सेहत की बात, ये मंच उन डॉक्टर्स के लिए है जो अपनी स्पेशलिटी सामान्य जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। हम सभी डॉक्टर मित्रों को आमंत्रित करते हैं कि आइए अब आपकी स्पेशलिटी, जिस डिसीज पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसकी सटीक जानकारी जन सामान्य तक पहुंचाइए और अपने हॉस्पिटल की सारी सुविधाएं हमारे माध्यम से मरीजों तक पहुँचाए। अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर रचिता बाहेती तोंडारे है। मैं माउथ और नेक कैंसर सर्जन हूँ। मुंह और गले के कैंसर की सर्जरीज मैं करती हूँ, उसके साथ लगने वाली प्लास्टिक सर्जरीज भी मैं ही करती हूँ। मुझे इस फील्ड में 10 से ज्यादा साल हो चुके हैं और आजकल के नए जेनरेशन ऑन्कोलॉजी में इसको ऑर्गन स्पेसिफिक कैंसर सर्जरीज कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि एक सर्जन एक कोई बॉडी के हिस्से के सर्जरीज में और कैंसर के ट्रीटमेंट्स में स्पेशलाइज करेगा। मुंह का कैंसर, साधारण तरीके से मुंह को अगर अपन डिवाइड करें तो 5 हिस्सों में डिवाइड होता है। जीभ, मुंह का तलिया ऊपर वाला जिसको हम लोग रूफ ऑफ द माउथ बोलते हैं, मुंह का ग्राउंड फ्लोर जिसको हम फ्लोर ऑफ द माउथ बोलते हैं, दोनों गाल और जीभ के पीछे का हिस्सा जिससे हम खाना अंदर निगलते हैं, इन हिस्सों में से कोई भी हिस्से से अगर कोई कैंसर डेवलप होता है उसको ओरल कैंसर की कैटेगरी में डाला जाता है। अब ये क्यों होता है, ये आई थिंक आप सब लोगों को पता होगा, बीड़ी, दारू, सिगरेट, तंबाकू, कोई भी तरह की पुड़ी या कोई भी तरह का व्यसन जिसमें निकोटीन की मात्रा ज्यादा है, उन पदार्थों की वजह से कार्सिनोजेनिक सेल्स पैदा हो जाते हैं। कार्सिनोजेनिक सेल्स मीनिंग जो सेल्स में कैंसर में बदलने की शक्ति होती है, ये कार्सिनोजेनिक सेल्स आगे जाके एक सूजन या गांठ में बदल जाते हैं जिसको कैंसर कहा जाता है। हमारे देश में कैंसर अभी भी एक टैबू है। टैबू मतलब ये एक ऐसा शब्द है जो खुलेआम नहीं लिया जाता है परिवारों में। इसके कारण पेशेंट्स हमारे पास तीसरे या चौथे स्टेज में ही आते हैं। जब वो सूजन या गांठ छोटी है तब उस पे मलम या दवाई लगा के उसे बहुत दिनों तक टाला जाता है। ये हमें नहीं करना है। अब इसका कारण ये है, जितना छोटा कैंसर, जितना छोटा घाव, जितनी छोटी सूजन, उतना बेटर उस पेशेंट के जीवन पे उसका असर रहेगा। जितना पहले स्टेज में कैंसर पकड़ में आता है उतना उस पेशेंट के आगे के जीवन में पॉजिटिव आउटकम रहेगा। जितना आखिरी स्टेज में पकड़ में आता है उतने उनके आगे जीने के या जीने के साल या जीने के चांसेस उतने ही कम हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर ऐसा कोई चीज आपको तकलीफ दे रही है मुंह के अंदर, तुरंत एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए और वो ट्रीटमेंट शुरू कीजिए, क्योंकि कैंसर जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना बेहतर है। अब आते हैं मेन कैंसर के सिम्टम्स की तरफ। कैंसर का सिम्टम ये होता है, मुंह के अंदर एक छाला जो 2 हफ्ते से ज्यादा समय तक भर नहीं रहा है, उसमें से थोड़ा थोड़ा खून आ रहा है, वो जलन हर बार कंटिन्यूस पूरे दिन कर रहा है आपको, या कोई ऐसी सूजन मुंह के अंदर जो 2 हफ्ते से ज्यादा टाइम तक है और वो कंटिन्यूसली बढ़े जा रही है, या कोई ऐसा दर्द जो दांत का दर्द या गले के अंदर का दर्द बताया गया है मगर वो कोई भी दूसरी ट्रीटमेंट या दांत निकालने की वजह से भी ठीक ना हो, या दांत का, कोई भी दांत का सडनली एकदम से हिलने लग जाना, मुंह के अंदर एक ऐसा छाला हो जाना जिससे खाने में निगलने में तकलीफ हो रही हो, खाना कम जा रहा है पेट में सडनली 5-6 महीने के अंदर पेशेंट का अगर 6 से 7 किलो वजन एकदम से कम हो जाता है, ये सारे लक्षण कैंसर की तरफ दिखाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट लक्षण इनमें अपने को जो ध्यान में रखना है, एक ऐसा छाला या एक ऐसी सूजन जो 2 हफ्ते से ऊपर है और वो ठीक नहीं हो रही है।
अब एक पेशेंट या एक मरीज को कैंसर डिटेक्ट हो गया है, इसका क्या ट्रीटमेंट है? मुंह के कैंसर का एकमात्र ट्रीटमेंट सर्जरी मीनिंग ऑपरेशन है। जिस हिस्से में बीमारी हुआ है, जिस हिस्से से वो गांठ निकल रही है, हम उस हिस्से का एक पोर्शन निकाल देते हैं और उस कैंसर को शरीर से बाहर निकाल देते हैं। अब मुंह के कैंसर के ऑपरेशंस के बाद प्लास्टिक सर्जरी करके उसको, जैसे भगवान ने हमें चेहरा, जीभ, गाल दिए हैं, हम उसको उसी तरीके से वापस बनाने की कोशिश करते हैं। इस ट्रीटमेंट से बहुत सारे लोग कतराते हैं, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमियां जो पब्लिक में देखी गई है या मैंने मेरे पेशेंट से सुनी है, वो ये है, पहली, हम बात नहीं कर पाएंगे मैडम, कैंसर के ऑपरेशन के बाद हमारा चेहरा बिगड़ जाएगा, हम बेड रेस्ट पे रहेंगे बहुत दिनों तक, मुझे तो ऑफिस जाना होता है, मैं घर का एक ही मेंबर हूं जो कमा रहा हूं, मैं जीप से क्लियरली स्पष्ट बात नहीं कर पाऊंगा या खाना नहीं निगल पाऊंगा या मेरा थूक ज्यादा गिरते रहेगा बाहर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और ऐसा कुछ होने के चांसेस बहुत कम है। प्लास्टिक सर्जरी ने इतना इवॉल्व कर लिया है कि अभी मुंह के कैंसर के ऑपरेशन के बाद हर पेशेंट अपने ऑफिस, अपने काम पे आराम से जा सकता है, जो खाना वो ऑपरेशन के पहले खाता था वही खा सकता है, जिस तरीके से वो बात करता है वैसे ही बात करेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने वाले। इस पे सिर्फ एक ही कंडीशन है जो अपने को ध्यान में रखनी है, जितना जल्दी बीमारी पकड़ में आएगी उतने अपने आउटकम्स पॉजिटिव रहेंगे। मुंह के कैंसर के कुछ स्टेजेस के बारे में बात करते हैं। 5 तरह के स्टेज होते हैं। पहला वाला प्री कैंसरस और बाकी के जो 4 हैं वो मेन कैंसर स्टेजेस। अपन प्री कैंसर स्टेज के बारे में पहले बात करते हैं। प्री कैंसर मतलब कैंसर होने के पहले के लक्षण जो अपने मुंह के अंदर डेवलप हो जाते हैं। अब इन लक्षणों में पहला लक्षण है कुछ भी खाने से मुंह में जलन होना, मुंह का खुलना कम हो जाना, जीभ में टेस्ट नहीं आना, मुंह के अंदर थूक या लार ज्यादा बनना और मुंह के अंदर सफेद या फिर लाल चत्ते हो जाना। इस प्री कैंसर स्टेज का मतलब है कि बॉडी हमें सिग्नल दे रही है कि आपके मुंह के अंदर कैंसर के बदलाव शुरू हो गए हैं। ये प्री कैंसर स्टेज, ये जो 5 लक्षण मैंने बताए, ये रिवर्सिबल स्टेज है। हम यहाँ से पीछे जा सकते हैं। इस स्टेज से पीछे जाने का रास्ता है। ये प्री कैंसर स्टेज उन पेशेंट्स में जब डेवलप होना शुरू होता है और अगर वो पेशेंट तुरंत कोई स्पेशलिस्ट को दिखाते हैं, दवाइयां, मलहम और इंजेक्शन की मदद से हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। अब आते हैं कैंसर के मेन 4 स्टेजेस पे। अगर ये प्री कैंसर स्टेज इग्नोर किया जाता है या फिर इसको नजरअंदाज किया जाता है तो हम आ जाते हैं बॉर्डर के इस पर। ये है कैंसर। कैंसर के 4 स्टेजेस है। पहला, दूसरा, तीसरा स्टेज जब वो मुंह के अंदर ही बढ़ रहा है अपनी मात्रा में, चौथा स्टेज जब वो अपनी जगह को छोड़ के, मतलब जीभ, गाल या मुंह का कोई भी हिस्सा, वो जगह को छोड़ के छाती, लंग, किडनी, लिवर, इन सब में खून के द्वारा फैल गया है। चौथा स्टेज लास्ट स्टेज होता है। पहले के 3 स्टेजेस मुंह के अंदर वो लिमिटेड रहता है, तब उसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज कहा जाता है। तंबाकू, इस चीज से मुंह का कैंसर होता है, हमें सबको पता है। तंबाकू में ऐसा क्या होता है जिससे इतना बड़ा बीमारी अपने शरीर में घर कर जाता है? तंबाकू या निकोटीन या ऐसे कोई भी पदार्थ से एक केमिकल रिलीज होता है, उसको हम कार्सिनोजेन बोलते हैं। वो अपने मुंह के अंदर के पर्दों पे, जो गुलाबी पर्दे हैं मुंह के अंदर, उसके अंदर जेनेटिक लेवल पे एक बदलाव कर देता है। जो साधारण तरीके से अपने सेल्स मल्टीप्लाई होके अपना शरीर इतना हेल्दी रहता है, वो उस सेल्स के मल्टीप्लिकेशन को बदल देता है, पूरा सिस्टम चेंज कर देता है और अनकंट्रोल्ड तरीके से किसी एक गांठ को बढ़ने देता है। ये तंबाकू की वजह से ही होता है और तंबाकू ही इसका जिम्मेदार है। अब मेरे पास ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं जो कहते हैं कि हमने 5 साल पहले तंबाकू खाना छोड़ दिया था मैडम, और 5 साल तक मैंने छुआ भी नहीं है और आज मुझे कैसे ये गांठ हो गई या कैंसर हो गया। इसका रीजन ये है कि
पांच साल पहले जितने भी सालों तक उन्होंने तंबाकू खाया, मान लो 10 साल तक उन्होंने तंबाकू खाया और 5 साल तक छोड़ दिया, अब वो मेरे पास 5 साल के बाद आए हैं, वो 10 साल में खाया हुआ तंबाकू की वजह से परमानेंट चेंजेस जो अपने मुंह के अंदर के पर्दों में हो गए हैं वो बदलते नहीं है। उस परमानेंट चेंज में से कोई एक चेंज में से वो गांठ निकल के आती है। तो जो पेशेंट्स या जिनको तंबाकू खाने की आदत है, जिनको भी, उनको छोड़ने के बाद भी हर 6-6 महीने एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ रेगुलर चेकअप पे डेफिनेटली रहना चाहिए। कुछ सवाल मैं ऐसे भी सुनती हूँ पेशेंट से कि हमने आज तक सिर्फ चाय और कॉफी पिया है मैडम, सुपारी तो बहुत दूर की बात है, फिर भी मेरे मुंह में गांठ क्यों आ गई है? तो हाँ, मुंह के कैंसर्स या बॉडी का कोई भी कैंसर 5% हेरिडिटी मीनिंग जेनेटिकली ट्रांसफर होता है। अगर आपके खून में आपके माँ बाप या दादा दादी या आपके नाना नानी उनके साइड में अगर कैंसर की कोई हिस्ट्री है या किसी को कोई तरीके का कैंसर हुआ है तो आपको रिस्क कैटेगरी में आने के चांसेस डेफिनेटली ज्यादा होते हैं। अब इससे कैसे बचा जाए, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं? हमें हमारा रूटीन चेकअप बढ़ाना है हर 6 महीने में। कंप्लेन ना हो तो भी एक स्पेशलिस्ट से मिलिए, जांच करवाइए, सारे एडिक्शंस या वैशन से दूर रहिए, एक हेल्दी लाइफस्टाइल जिए, एक्सरसाइज कीजिए, फल खाइए, प्रोटीन खाइए, घर का खाना खाइए, ये सारी चीजें जो अपने हाथ में अपन वो कर सकते हैं। बाकी जो हेरिडिटी कंपोनेंट है, मतलब जो ट्रांसमिट अगर होने वाला है, उसको अपन चेंज नहीं कर पाएंगे, मगर उससे बचने के लिए या रिस्क कम करने के लिए हम हमारी लाइफस्टाइल में बड़े बड़े बदलाव करके छोटे छोटे कदम से उस रिस्क से दूर चले जाएंगे। एज अ स्पेशलिस्ट मैं एक संदेश देना चाहूंगी सबको, और ये बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, कोई भी कैंसर का मतलब डेथ नहीं है। ट्रीटमेंट इतनी इवॉल्व हो गई है, इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है कि हमारे पास इतनी दवाइयां हैं कि हम कोई भी कैंसर के मरीज को 25, 30, 50 साल की जिंदगी आराम से दे सकते हैं। जितना जल्दी पकड़ में आएगा उतना बेहतर है। कोई भी ऐसी साइन आपके पूरे शरीर में, मुंह ही नहीं, कोई भी ऐसे पूरे शरीर में अगर आपको अबनॉर्मल लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये चीज पहले तो नहीं हुई थी कभी मेरे साथ, खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। एक डॉक्टर को दिखाइए, एक स्पेशलिस्ट को दिखाइए और वो आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेंगे। और आखिरी चीज, डरना और इस चीज से घबराने की जरूरत नहीं है, हम हर बीमारी का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। आरोग्य जागृति।